वेलकम बैक टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास इनडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। आज हम पास इनडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पास इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? टेंस सेंटेंसेस के एंड में, ठीक है, सेंटेंसेस के एंड में ता, था, ते, थी, ते, थे, ती, थी या आ, ए, ई आता है। ठीक है, कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस। हम रोजाना स्कूल जाते थे, ते थे, ता थे, ती थी। ठीक है, हम रोजाना स्कूल जाते थे। राधा ने गाना गाया, आ की साउंड आ रही ना, गाया, राधा ने गाना गाया। पुलिस ने चोर को पकड़ा, उसने मुझे नहीं देखा। राम ने कमरा साफ किया। ठीक है, तो ता था, ते थी या आ, ए, ई, ये आता है सेंटेंसेस के एंड में, दैट इज़ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अब जैसा कि नाम से पता लगता है, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट यानी जो बात बीत चुकी है, यानी कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट एनी एक्शन, इवेंट, मूमेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो कि हमने पास्ट में किए। अब जैसे कि कल शाम को आपने क्या किया, आप कह सकते हो कल शाम को मैं खेला, दोपहर में मैंने रेस्ट किया। ठीक है, तो जो काम आप कर चुके हो, जो बात आपकी बीत चुकी है, दैट इज़ पास्ट। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर यानी रूल देखते हैं क्या है। इसमें सब्जेक्ट और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। हमने थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब की थी, फर्स्ट फॉर्म जैसे कि राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो जो सेकंड फॉर्म है वो इसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस। ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। आप यहाँ पे देखिए, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात, कि कल मैं लाइब्रेरी गया था। ठीक है, कल मैं लाइब्रेरी गया। लेट्स सी मोर एग्जांपल। दे प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड लास्ट वीक। अब यहाँ पे प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले, दे प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते उन्होंने उस फील्ड में क्रिकेट खेला। आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। मैंने उसे काम करने में, टास्क कंप्लीट करने में क्या की, हेल्प की। तो यहाँ हेल्प की सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। शी लिसन्ड टू सॉन्ग्स लास्ट इवनिंग। पिछली शाम को उसने क्या किए, सॉन्ग सुने। तो लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन्ड। माई अंकल बॉट अ न्यू कार। मेरे अंकल ने नई कार खरीदी, खरीदी, ई, आ, ए, ई। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट। तो पास इनडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने याद रखना है। पास इनडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो किस में यूज़ होती है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बिना नोट वाले सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट हो, एज यूजुअल होगा ये। अब उसमें यूज़ होता है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ कर रहे थे, नेगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और प्लस डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म की जगह यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, डिड आ गया। ठीक है, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था, नेगेटिव में हम क्या डू और डज करते थे यूज़। अब इसमें पास इनडेफिनिट टेंस में नेगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंस या इंटरोगेटिव, दोनों में क्या यूज़ होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नेगेटिव है तो डिड नॉट। लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस। शिवानी डिड नॉट सिंग। शिवानी ने गाना नहीं गाया। ठीक है, तो डिड प्लस नॉट और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, जब डिड आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी. ओके, राम्स ब्रदर डिड नॉट कंप्लीट द वर्क. राम के भाई ने काम नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया. तो डिड नॉट और कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट. ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं गया था. ठीक है, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो का गो. ही डिड नॉट ड्रॉ द डायग्राम्स, ही डिड नॉट ड्रॉ द डायग्राम, डिड नॉट और ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी. तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो चाहे इंटेरोगेटिव, क्या यूज होगा? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डिड जो है हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डिड है स्टार्टिंग में आ जाएगा. जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस करेंगे तो उसमें डिड शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल सेंटेंसेस. डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, क्या पिछली रात को हमने न्यूज़ देखी? डिड दे गो टू द पार्टी यस्टरडे, क्या कल वो पार्टी में गए थे? डिड शी रीड द बुक, क्या उसने बुक पढ़ी? डिड ही बाय स्वीट्स फॉर हिज फ्रेंड, क्या उसने अपने फ्रेंड के लिए स्वीट्स खरीदी? डिड रानी वॉच द मूवी, क्या रानी ने मूवी देखी? तो आप देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव है चाहे नेगेटिव है. ठीक है, डिड आ रहा है तो डिड के साथ क्या आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल सेंटेंस बिना नॉट और बिना क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, जिन्हें हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या होता है यूज़? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप यूज़ करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर डिड इसमें मान लो नॉट भी लगाना हो इसमें इंटेरोगेटिव में, तो क्या बन जाएगा? डिड वी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा. डिड वी नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट? Did they not go to the party yesterday? Did she not read the book? Did he not buy sweets for his friend? Did Rani not watch the movie? Okay, so past indefinite tense में क्या use होता है? Yes, verb की second form of verb. ठीक है, verb की second form. और negative और interrogative में did plus verb की first form. Okay, students?